भारतीय टीम कोरोना के बीच अपने पहले क्रिकेट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है। इस दौरान टीम के खेमे में शुक्रवार को एक बुरी खबर सामने आई। टेस्ट टीम में शामिल तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद घोष का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। वे काफी समय से फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में क्वारंटाइन पीरियड के कारण सिराज पिता की अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये तेज गेंदबाज आईपीएल खेलने के बाद टीम के साथ यूएई से सीधे ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ था। सिराज सिडनी में क्वारंटाइन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह ट्रेनिंग से लौटने के बाद उन्हें पिता के इंतकाल की खबर मिली। सिराज ने कहा, मैंने ये खबर कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को बताई। उन्होंने मुझसे हिम्मत रखने के लिए कहा, उन्हें कहा कि टीम मेरे साथ है। सिराज ने 7 साल की उम्र में अपने बड़े भाई को भी खो दिया था। उन्होंने कहा, पिता की हमेशा एक इच्छा थी और वे हमेशा यही कहते थे कि मेरा बेटा देश का नाम रोशन करेगा, मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगा। हैदराबाद की छोटी सी बस्ती टोली चौकी से आने वाले सिराज ने कहा, मैं जानता हूं कि पिता मेरे सपना पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। वे रिक्शा चलाते थे। उनके इंतकाल की खबर मेरे लिए बड़ा झटका है। मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपोर्ट खो दिया है।